बातें करते हम खेतों की और उसके रखवाली की। हम बीजों की बातें करते उत्तम जल संसाधन की। हम तकनीकी बातें करते फसलों के उत्पादन की। हर किसान का सपना सच हो जीवन सुखद बनाने को। गांव गांव के हर आंगन का प्यारा सा ही दर्शन। कृषि दर्शन 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 कृषि दर्शन। किसान भाई बहन बन नमस्कार जोहार। कृषि दर्शन कार्यक्रम में रौरमन का बहुत बहुत स्वागत है। और देखो रौरमन का हमेशा कहिला कि खेत हो या बारी, पशुपालन हो या फुलवारी, है ने तो सिर्फ कहे कर मतलब नखे, इकर में हर किस्म कर जानकारी रौरमन के मिलेला, है ने। तो आज भी जानकारी सुंदर लेके आई मकिल, जानकारी लेवे कर आगे चलू हम देखा थे कृषि समाचार। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है, मैं हूं अर्चना। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। राज्य के मछली पालक मत्स्य विभाग से ले सकते हैं कई प्रकार की सुविधाएं। लत्तेदार सब्जियों की बेहतर उपज के लिए करें कुछ जरूरी कृषि कार्य। निकाई गुड़ाई के लिए बेहतर उपकरण है डच हो। मत्स्य विभाग झारखंड द्वारा मछली पालकों की सुविधा एवं विकास के लिए बहुत सारी योजनाएं चलाई जाती हैं, जिसके तहत मछली के बीज भी अब जिले में ही किसानों द्वारा विभाग की सहायता से तैयार की जा रही है। इसके अलावा किसान को तालाब तक की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है, साथ ही मत्स्य कृषकों का बीमा भी कराया जा रहा है। राज्य के मछली पालक संबंधित अधिकारी से संपर्क कर इन सुविधाओं का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। झिंगी, नेनुआ, करेला, लौकी इत्यादि सब्जियां अभी बहुत से किसान भाई लगा रखे होंगे। वर्तमान समय में उनमें कुछ विशेष कृषि कार्य करने की आवश्यकता है। जब इनके लत्तर बढ़ने लगे तो उन्हें जमीन पर ना फैलने दे, क्योंकि फलों की मिट्टी से सीधे संपर्क में रहने से फलों की सड़ने गलने का खतरा रहता है। अतः इसके लिए सहारा दे या छप्पर बनाकर लत्तर को उस पर चढ़ाना उत्तम होता है। साथ ही खेत में जल निकासी की व्यवस्था और निकाई इत्यादि समय से कर ले। सब्जियों में भिंडी हमारे यहाँ लगभग सभी क्षेत्रों में लगाया जाता है। जो किसान भाई इस समय भिंडी लगाने के इच्छुक हैं, वे भिंडी के उन्नत प्रभेदों का चुनाव करें। भिंडी के उन्नत प्रभेदों में मखमली, तुलसी, रोहिणी बेहतर माने जाते हैं। ये प्रभेद अच्छी मात्रा में उपज देने के लिए प्रचलित हैं। मखमली, तुलसी, रोहिणी ये भिंडी के उन्नत प्रभेदों में बेहतर माने जाते हैं। वर्तमान समय में इनकी बुआई की जा सकती है। एक हेक्टेयर भूमि में 8 से 10 किलोग्राम की दर से बीजों की बुआई कर और उचित कृषि कार्यों को करके 150 से 200 क्विंटल तक भिंडी की उपज पाई जा सकती है। गाजर घास एक बहुत ही नुकसानदायक खरपतवार है। गाजर घास के पत्ते गाजर के पत्तों की तरह होते हैं और इसमें सफेद छोटे छोटे फूल आते हैं। यह खरपतवार खेतों और आसपास के खाली पड़े भूमि में अनावश्यक रूप से उगाते हैं, जो खेतीबाड़ी के साथ पशुओं के लिए भी हानिकारक होता है और इसका नियंत्रण भी आसानी से नहीं होता है। कृषि वैज्ञानिकों के अनुसार गाजर घास को नष्ट करने के बजाय इसका उपयोग कंपोस्ट बनाने के लिए करना बेहतर होता है। निकाई गुड़ाई के काम को बेहतर तरीके से करने के लिए किसान डच हो का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस कृषि उपकरण से खेत में निकाई गुड़ाई करने के साथ साथ नाली और मेड़ भी बनाया जा सकता है। ये है डच हो। निकाई गुड़ाई के काम के लिए निर्मित इस उपकरण से खेत में नाली और मेड़ भी बना सकते हैं। डच हो द्वारा एक दिन में लगभग 15 डिसमिल खेत में लगे फसलों की निकाई की जा सकती है। इस उपयोगी उपकरण को बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के अभियंत्रण विभाग से प्राप्त किया जा सकता है। और अब मंडी भाव में अनाजों के वर्तमान भाव जानने के लिए चलते हैं हमारे सहयोगी के पास। धन्यवाद अर्चना। जोहार दर्शकों, आज मंडी भाव की जानकारी देने के लिए हम आ पहुंचे हैं पंडरा बाजार समिति पंडरा, जहां से हम आपको देने जा रहे हैं मंडी भाव की जानकारी। दर्शकों, आज सबसे पहले हम लेंगे चावल को। चावल में हम लेंगे लखी भोग, जिसका प्रति क्विंटल दर है 4,700 रुपये। दूसरे में हम लेंगे दाल को, दाल का प्रति क्विंटल दर है 7,400 रुपये। फिर हम आते हैं तेल की तरफ, सरसों तेल। सरसों तेल का प्रति क्विंटल दर है 12,900 रुपये। फिर दर्शकों, हम नमक लेंगे, जिसका
प्रति क्विंटल दर है 2,360 रुपये। और आखिरी में हम लेंगे गुड़ को, जिसका प्रति क्विंटल दर है 4,200 रुपये। तो दर्शकों, आज के मंडी भाव में बस इतना ही। आइए आपको वापस लिए चलते हैं स्टूडियो। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। किसान भाई बहन मन, कृषि समाचार में रोरेमन तकनीक कर बारे में, उपकरण कर बारे में, मौसम कर हाल कर बारे में और कृषि संबंधी नवा नवा जानकारी मिलक। एखन बेरा हो जाए छोटा सा विराम के। हम विराम के बाद घूर के आवा थी और रोरेमन के जानकारी देवा थी। किसान पूरी तरह से सशक्त और सक्षम बने, इस लक्ष्य के साथ हम निकले हैं। देश के किसानों को हर वो साधन संसाधन दिए जाए जिससे वो अपनी आय दोगुनी कर सके। ये मुस्कान है खुशहाली की, देश के मान की। ये मुस्कान है किसानों की और इस मुस्कान की वजह है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, जो अन्नदाताओं की आशाओं की जमीन को पिछले 5 वर्षों से इस तरह सींच रही है कि उनके जीवन में खुशी और आत्मविश्वास की फसल लहलहा रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी की दूरगामी सोच का नतीजा है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। लगातार तीसरी बार चुनी गई सरकार का पहला निर्णय किसानों के बारे में है। माननीय प्रधानमंत्री द्वारा पीएम किसान योजना की 17वीं किस्त की फाइल पर किया गया हस्ताक्षर मेहनतकश अन्नदाताओं के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। विश्व की सबसे बड़ी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर योजनाओं में से एक प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में एक पारदर्शी प्रक्रिया के तहत सभी किसान परिवारों को 2,000 रुपए की 3 समान किस्तों के माध्यम से कुल 6,000 रुपए दिए जाते हैं। अब तक 16 किस्तों द्वारा 11 करोड़ से अधिक पीएम किसान लाभार्थियों को 3.04 लाख करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि डायरेक्टली उनके अकाउंट में ट्रांसफर की जा चुकी है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत सालाना 6,000 की किस्तें मिलती हैं। यह हमारे लिए एक वरदान साबित हुई। प्रधानमंत्री किसान योजना पंजीकृत होने 32,000 टका पाई। इस योजना से किसानों के साथ समग्र कृषि का जीर्णोद्धार हुआ है। देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विजन के तहत इस योजना को किसान केंद्रित डिजिटल बुनियादी ढांचा में तब्दील किया गया है, जिसमें बिना किसी बिचौलिए के किसानों को सीधे किस्तों का भुगतान किया जाता है। केंद्र सरकार के संकल्प को डिजिटल इंडिया से जोड़ते हुए ये योजना मोबाइल ऐप EKYC प्रक्रिया, मोबाइल ऐप से फेस ऑथेंटिकेशन और नो योर स्टेटस मॉड्यूल की सुविधा प्रदान करती है, जिससे किसान इस योजना से जुड़ी कोई भी जानकारी सीधे प्राप्त कर सकते हैं। किसानों के जीवन को और आसान बनाने के लिए AI चैटबॉट किसान ई मित्र बेहतर कल का एक नया आगाज है। किसान ई मित्र AI चैटबॉट एक सच्चे दोस्त की भूमिका निभाते हुए योजना से जुड़ी सारी जानकारी चयनित भाषा में मुहैया कराता है। पीएम किसान की 17वीं किस्त के रूप में आज माननीय प्रधानमंत्री द्वारा 9.26 करोड़ से अधिक पात्र किसानों को 20,000 करोड़ रुपए की धनराशि सीधे उनके बैंक खातों में ट्रांसफर की जा चुकी है। केंद्र सरकार की एक और अहम पहल है कृषि सखी, जो ज्ञान और महिला सशक्तिकरण का अद्भुत संगम है। कृषि सखी अभियान द्वारा गांव की महिलाओं को पारंपरिक कृषि प्रथाओं से लेकर नवीन तकनीकों के बारे में प्रशिक्षण दिया जाता है, जो महिला किसानों को आर्थिक व सामाजिक रूप से मजबूत बनाता है। गांव की हर महिला को इस मुहिम से जोड़ने के लिए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा 30,000 से अधिक स्वयं सहायता समूहों का कृषि सखियों के रूप में प्रमाणीकरण किया गया है। कृषि सखी हमारी सहेली जैसी हैं और गांव-गांव में आती हैं, हमको खेतीबाड़ी के बारे में बहुत कुछ सिखाती हैं। ऐसे अनूठे प्रयासों से देश का किसान स्वाभिमानी, स्वावलंबी, सशक्त और आत्मविश्वासी बन रहा है। तो किसान भाई बहन मन, विराम के बाद रोरेमन के पर फिर से स्वागत है। तो चलो अपन कार्यक्रम के आगे बढ़ाते हैं जानकारी को। आज कर जानकारी जो है,
कि सूर्यमुखी कर वैज्ञानिक खेती, आप देखो सूर्यमुखी फूल कर जे खेती करे ना उमन के कब उके खेती करे के कौन सा मौसम सही है, कौन सा खाद डाले के है। और सबसे बड़ बात यह है कि सूर्यमुखी जो है वो खाए वाला तेल कर कमी के पूरा करेला है नहीं। तो भाई कर जानकारी अगर रौरमन के बेस से चाहिए तो चलू रौरमन के फीचर कर माध्यम से इकर जानकारी दिवाए दुआ थी। सूरजमुखी को तिलहन फसलों की श्रेणी का माना जाता है। सूरजमुखी की खेती के लिए खेत को तैयार करने में लगभग 2 से 3 जुताई की जरूरत पड़ती है। इसकी खेती हाल के दिनों में झारखंड में भी बढ़ी है। खरीफ के सीजन की शुरुआत होने के साथ ही इस फसल की भी शुरुआत होने लगती है। जानकार कहते हैं कि सरकार ने सूरजमुखी खेती को प्रोत्साहित करने के लिए कई तरह की प्लानिंग भी शुरू की है। इसमें अलग अलग जगह पर अनुदान देने की भी व्यवस्था की गई है। दर्शकों नमस्कार, कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज हम पहुंचे हुए हैं तिलका मांझी कृषि महाविद्यालय, जिनसे हम बातचीत करेंगे और जानेंगे। देखिए हमारे किसान भाई आज खेती के लिए बहुत सारे मशीनों का उपयोग कर रहे हैं और मशीनों का उपयोग करने से खेती तो बहुत ही अच्छी हुई है, लेकिन कई बार नुकसान भी उठाना पड़ता है। तो आइए हम जानते हैं कि इससे क्या नुकसान होता है या फिर क्या लाभ है, आइए विस्तार से जानने का प्रयास करते हैं। इसके लिए खरीफ की फसल में ऊपरी भूमि का चुनाव करना होगा, लेकिन रबी और गर्मा के लिए आपको निचली भूमि का चुनाव करना होगा, क्योंकि गर्मा और रबी में सिंचाई की आवश्यकता पड़ेगी। सूर्यमुखी की वैज्ञानिक खेती करने के लिए पहले खेत को 2-3 बार जुताई कर लेनी है और उसके बाद लेवलिंग कर लेना है। उसके बाद सूर्यमुखी की बीज को 60 सेंटीमीटर की दूरी पर और लाइन से लाइन और पौधा से पौधा की दूरी 30 सेंटीमीटर की दूरी पर लगाएंगे। उसके साथ ही साथ कुछ उर्वरक का भी प्रयोग करेंगे। खरीफ की फसल में 50 किलो नाइट्रोजन, 60 किलो फास्फोरस और 40 किलो पोटास और 25 किलो सल्फर गंधक का प्रयोग करेंगे। रबी की फसल में 90 किलो नाइट्रोजन, 60 किलो फास्फोरस, 40 किलो पोटास और 25 किलो सल्फर का प्रयोग करेंगे। इसके साथ ही साथ रबी खरीफ की फसल में सिंचाई की जरूरत नहीं पड़ती है, चूँकि वर्षा आश्रित होता है, लेकिन रबी की फसल में 10 से 15 दिनों के अंतराल पर सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। और इसके लिए प्रभेद किसानों के लिए सबसे अच्छा सूटेबल है संकर किस्म का, जो कि KBESH ग्रुप का बहुत सारी वैरायटी मार्केट में उपलब्ध है और उसके लगाने से उपज भी किसानों को ज़्यादा मिलता है, वो 14 से 15 क्विंटल प्रति हेक्टेयर मिल जाता है। जहाँ तक सूरजमुखी खेतों की तैयारी की बात है तो इसके लिए मिट्टी की जांच करवाने की सलाह दी जाती है ताकि मिट्टी की ज़रूरतों के मुताबिक खाद उर्वरक और बीजों का इस्तेमाल हो सके। इसकी खेती के लिए जल निकासी वाली भारी मिट्टी सबसे अच्छी रहती है। ध्यान रखें कि अम्लीय और क्षारीय जमीन में सूरजमुखी की खेती नहीं करनी चाहिए। इसकी बुआई से पहले बीजों का उपचार और खेतों को गहरी जुताई लगाकर जैविक विधि से तैयार करने की भी सलाह दी जाती है। में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास, सल्फर, KBSH-1, KBSH-44, KBSH-53, ये अपने यहाँ सूटेबल वैरायटी है। खरीफ की फसल में कोई सिंचाई की आवश्यकता नहीं है, रबी में 10 से 15 दिन के अंतराल पर सिंचाई की आवश्यकता है, जबकि गर्मा फसल यदि हम लगाते हैं तो 8 से 10 दिन
पर सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। इसके लिए किसान भाई सल्फर का प्रयोग अवश्य करें, जिससे कि अच्छा उनको उपज मिलेगा। निराई गुड़ाई एक बार कर देने से बुआई के 20 से 25 दिन बाद एक बार निराई गुड़ाई कर देने से फिर निराई गुड़ाई की आवश्यकता सूरजमुखी की फसल में नहीं पड़ती है। किसान भाइयों को मैं ये सलाह देना चाहता हूँ कि सूरजमुखी की खेती अपने झारखंड राज्य में और मेरे पाकुड़ जिला में बढ़ावा दें, जिससे कि जो आज रिफाइंड ऑयल हम लोग खा रहे हैं बाज़ार से खरीद करके, उससे निजात पाएँ और रिफाइंड ऑयल के जगह पर सूरजमुखी का तेल का हम लोग प्रयोग करें। और ये सबसे बढ़िया तेल है रिफाइंड ऑयल के जगह पे। ये 90 से 95 दिन में खरीफ में और रबी में 95 से 100 दिन में और गर्मा में फिर 90 से 95 दिन में तैयार हो जाती है। इस फसल में रोग मिनिमम लगता है, रोग ना के बराबर आता है। इसलिए किसान भाइयों को मैं सलाह दूंगा कि इंसेक्टिसाइड के रूप में, कीट रोधी के रूप में इमीडा क्लोरीप्रीट का छिड़काव करें। यदि कोई कीट का प्रयोग देखते हैं खेत में तब, अगर अन्यथा इसका प्रयोग ना करें। जिस समय फूल में बीज आ जाएगा उस समय तोता, कौआ, मैना ये परेशान करता है, उसके लिए एक रंगीन किस्म का तार कहिए उसको, वो आता है, उसको खेत में लगा दें, वो उससे निजात पा जाएंगे। जानकार कहते हैं कि सूरजमुखी की फसल से अधिक और अच्छी क्वालिटी की पैदावार के लिए उन्नत किस्मों से बुआई करना बेहद जरूरी है। इसकी कंपोजिट और हाइब्रिड किस्में दोनों ही 90 से 100 दिनों के अंदर तैयार हो जाती है। बुआई के लिए BSS1, KBSS1, ज्वालामुखी, MSFH19 और सूर्या किस्मों का चयन किया जा सकता है। इसी के लिए इमीडा क्लोरीप्रीड का छिड़काव हम किसान भाइयों को बताए हैं, जो कि जरूरी है। यदि कीड़ा नहीं आया है तो इमीडा क्लोरीप्रीड का प्रयोग ना करें। यदि देखते हैं कि पत्ता में कुछ कुछ छिद्र हो जाता है तो इमीडा क्लोरीप्रीड 2 ml प्रति लीटर के हिसाब से प्रयोग करें। नहीं, मधुमक्खी इसमें ये लाभदायक कीट है और ये पोलिनेशन परागण के लिए जरूरी है। इस फूल से उठ कर के दूसरे फूल पर जाएगा। अभी अभी आप देख रहे हों कि इसमें भी मधुमक्खी हमारे फूल में लगा हुआ है, तो ये हमारे लिए लाभदायक है। इससे उपज 10% तक बढ़ जाता है। यदि सूरजमुखी की खेती जहाँ हम कर रहे हैं वहाँ आसपास में मधुमक्खी का बॉक्स लगा देते हैं तो 10% उपज अपने आप बढ़ जाएगी। चलते चलते किसान भाइयों को यही बताना चाहेंगे कि सूरजमुखी की खेती अपने झारखंड राज्य में और हमारे पाकुड़ जिला में बढ़ावा दें, जिससे कि आप रिफाइंड ऑयल का जो प्रयोग कर रहे हैं उससे आप निजात पाएँ, बाज़ार से खरीदने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। उसके जगह पे आप सूरजमुखी का तेल का प्रयोग करें और इसका मार्केट, बाज़ार की कोई कमी नहीं है। बाज़ार इसका बहुत ज़्यादा उपलब्ध है। बीज के लिए प्राइवेट दुकानदार से जो संकर किस्म का हाइब्रिड बीज है वो, लेकिन विश्वासी दुकान से लेना होगा जो कि सही बीज दे सकें। KBK महेशपुर के द्वारा क्लस्टर फ्रंटलाइन डिमोस्ट्रेशन के तहत हम लोग इस ज़िले में अभी भी मेरा लगा हुआ है 10 हेक्टेयर ज़मीन में, जो कि किसानों के यहाँ और मेरे निरीक्षण में ही वो हो रहा है। और अभी तक वो फूल जिस तरीके से यहाँ देख रहे हैं आ चुका है। नहीं, ये चूँकि हाइब्रिड बीज है इसलिए इसका प्रयोग न बीज, चूँकि हाइब्रिड का बीज प्रयोग कीजिएगा तो अगले साल उसकी संभावना कम होती है। यदि ओपन पोलिनेटेड बीज आप प्रयोग कर रहे हैं तो उसका बीज का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन हम लोग जो
दिए हैं वो हाइब्रिड दिए हैं के BSH। तो देखो ये रहलक सूरजमुखी कर वैज्ञानिक खेती है नी। तो चलो अपन कार्यक्रम के हम और आगे बढ़ाती दूसर जानकारी को। दूसर जानकारी है वो भी बहुत सुंदर है, वो हर किसान भाई बहन में उनके जानना बहुत जरूरी है कि देखो रबी कर मौसम में हरा चारा कर प्रबंधन है नी। अब हरा चारा तो हर पशु के चाहे भाई, पशु मन के हरा चारा देव तो मन दूध बढ़िया देवी, उमन स्वस्थ रही तंदुरुस्त रही है कि नहीं। तो अगर इकार बारे में बीस अच्छा जानकारी चाहिए तो चलो रोरम के सीधे लेके चले थी हमारे के जो विशेषज्ञ साहब हैं उनकरे से जानकारी दिवाई दवा थी। जोहार, मैं संदीप और कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सबों का स्वागत है। कृषि दर्शन कार्यक्रम में कृषि से संबंधित जानकारी हम आप तक पहुँचाने का कार्य करते हैं। इसी कड़ी में हम आ पहुँचे हैं कृषि विज्ञान केंद्र पाकुड़ में और हमारे साथ यहाँ के विशेषज्ञ डॉक्टर संजय कुमार जी हैं। आइए उनसे हम जानते हैं खरीफ के मौसम में हरे चारे का प्रबंधन किस तरीके से किया जाए। नमस्कार किसान बंधुओं, मैं डॉक्टर संजय कुमार पशुपालन वैज्ञानिक कृषि विज्ञान केंद्र पाकुड़ से बोल रहा हूँ। आज हम लोग बात करेंगे खरीफ के मौसम में हरे चारा का कैसे प्रबंधन किया जाए, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। जैसा कि किसान बंधुओं समझते हैं कि पशुओं को संतुलित आहार बहुत ही जरूरी है। संतुलित आहार का मतलब वो आहार होता है जिसमें पशुओं को ना केवल जीवन यापन बल्कि प्रजनन के लिए, उसके वृद्धि के लिए, उसमें हो रहे बहुत सारे रोगों से लड़ने के लिए जो पोषक तत्व प्रोटीन्स विटामिन्स खनिज लवण वसा मिनरल मिक्सचर ये सब की ज़रूरत होती है वो संतुलित मात्रा में उपलब्ध रहती है, उसे हम संतुलित आहार कहते हैं। तो जहाँ तक पशुओं के लिए संतुलित आहार की बात करते हैं तो उसमें हरा चारा का एक अपना महत्व होता है। हरा चारा के बगैर हम लोग पशुओं के लिए संतुलित आहार की चर्चा करना बेमानी होगी। हरे चारे में ना केवल ये सारे संतुलित पोषक तत्व पर्याप्त मात्रा में रहते हैं बल्कि सस्ता भी होता है, पौष्टिक भी होता है, सुपाच्य भी होता है और इसमें जो होता है कि विटामिन्स ए काफ़ी पर्याप्त मात्रा में मौजूद रहती है जिसके चलते जो भी चीज़ खा रहे हैं उनका अवशोषण पर्याप्त मात्रा में होता है। हरे चारे में लगभग कि जैसे किसान बंधु समझते हैं कि 90% पानी रहता है और ये पानी पशुओं को उनके जो शारीरिक क्रियाएं होती है उसको सुचारू रूप से चलने में मदद करती है। तो पशुओं के लिए जो हमने हरा चारा होता है वो नितांत आवश्यक होता है। और यहाँ पर हम लोग खरीफ मौसम में बात करें तो खरीफ के मौसम में पशुओं के लिए दलहनी और गैर दलहनी दोनों पशु चारा की आवश्यकता महसूस होती है। दलहनी फसल में बोदी हो गया, राइस बीन हो गया, सोयाबीन हो गया, ये चीज़ हमें ज़रूरत होती है। और अगर गैर दलहनी में बात करें तो सूडान हो गया, ज्वार हो गया, बाजरा हो गया, मकई हो गए, हाँ पारा ग्रास हो गया, नेपियर ग्रास हो गया, तो ये सब सारा चीज़ को ज़रूरत पड़ती है। अब हम लोग बात करते हैं कि पशुपालक कैसे हमें इसको खिलाएं। जैसे कि आपको पता है कि ये हरा चारा खाने से इसमें कैल्शियम फास्फोरस मैंगनीज पर्याप्त मात्रा में रहते हैं जिससे दूध का भी उत्पादन बढ़ता है। जहाँ तक बात है हमारा दलहनी फसल में, तो दलहनी फसल में हमारा बोदी जिसको हम लोग बरबट्टी बोलते हैं ये हमारा एक फसल आता है और इसे हम लोग लगभग 15 से 20 किलो प्रति हेक्टेयर के दर से छिड़काव करते हैं और ये लगभग आपका 30 से 35 दिनों में पहला कटाई के रूप में इसे काट करके पशुपालक अपने पशुओं को खिला सकते हैं और फिर लगातार इसे 2 से 3 कटाई करके अपने पशुओं को खिला सकते हैं और लगभग इससे हमें 300 से 400 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की 2 से 3 कटाई के उपरांत हमें हरा चारा उपलब्ध होती है। उसी प्रकार सोयाबीन और राइस बीन भी आप कर सकते हैं। जहाँ तक गैर दलहनी फसल की बात करते हैं तो उसमें खरीफ के मौसम में जो हमारा प्रमुख फसल है वो है मकई और मकई में हमारा एक वैरायटी आता है अफ्रीकन टॉल, काफ़ी पॉपुलर वैरायटी है, काफ़ी प्रचलित वैरायटी है और इसको अगर किसान भाई लगाते हैं और लगा करके खिलाते हैं तो
तो दूध उत्पादन में पर्याप्त इसको वृद्धि मिलने देखने को मिलेगी। और ये मकई जो होता है अगर खिलाते हैं तो मकई में चूंकि आपको कार्बोहाइड्रेट पर्याप्त मात्रा में रहता है तो एक दूध में एक मीठापन होता है, दूध तो बढ़ेगा ही, दूध में मीठापन भी होगा। और जो पशुपालक सांद्र मिश्रण कंसंट्रेट हरा मिश्रण खिलाते हैं तो कंसंट्रेट से जो अपच की जो परेशानी पैदा होती है उससे ये काफ़ी हद तक निजात पिलाते हैं। हीमोग्लोबिन की मात्रा को भी बढ़ाता है और दूध अच्छा होता है। लगभग जो मकई लगाते हैं वो 30 से 40 केजी प्रति हेक्टेयर के दर पर हम लोग लगाते हैं और इसमें भी 300 से 500 क्विंटल तक लगभग हमारा हरा चारा एक हेक्टेयर से मिलता है। पशुपालक इसको जो 50% फ्लावरिंग होती है जिसको हम लोग बोलते हैं कि बाली निकलती हैं, अगर आपके खेत में 50% 50% बाली निकल रही है तो उसी अवस्था में इसको काट करके पशुओं को खिलाएं। तो देखो आज रौरे मन के दू गो जानकारी जो मिलक, सूरजमुखी कर वैज्ञानिक खेती और खरीफ कर मौसम में हरा चारा कर प्रबंधन कर बारे में है नहीं। तो कहे कर मतलब है कि रौठिन अगर ऐसा कोई जानकारी है या हमारे से कोई जानकारी चाहे तो पता का तो भाई लिखना जरूरी है नहीं। तो पता के लिखू, पता है कृषि दर्शन द्वारा केंद्र निदेशक दूरदर्शन केंद्र रांतू रोड रांची और पिन कोड संख्या है 834001। तो आज रोरेमन इजाजत दो मकिल यह दिना और यह बेरा नवा जानकारी साथ और उपस्थित हो, तब तक नमस्कार जोहार। कृषि दर्शन।